से गिरफ्तार हुए हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली NCR में जो गाड़ियां खत्म हो जाती थी, जो ऑटो खत्म डिस्ट्रॉय हो जाते थे, उन्हीं के नंबर चीज़ नंबर लेकर फिर ये दूसरे गाड़ियों जो चोरी कर उन पर लगा कर चलाया करते थे। कैसे ये गैंग ट्रेस हुआ, किस तरह से इनकी गिरफ्तारी हुई और कितने सदस्य हैं, क्या प्रोफाइल है इनका? कमिश्नरेट गाजियाबाद की पुलिस टीम ने आज 6 साथी ऑटो चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके द्वारा 6 ऑटो बरामद हुए हैं। मेन इनका काम था कि ये चोरी का ऑटो चोरी करने के बाद जो पुराने ऑटो जो डिस्ट्रॉय हो जाते थे, आउटडेटेड ऑटो थे, उनके नंबर को, इंजन नंबर, चेचिस नंबर को ये नए ऑटो जो चोरी करके लाते थे उनको यूज करके और पब्लिक में फिर बेच करके सवारी ढोते थे या कमर्शियल यूज में लाते थे। लेकिन सर, जो पुराने हो जाते थे, ये नंबर वहाँ से कहाँ से खरीदते थे? वो डिस्ट्रॉय हो जाते थे तो कहाँ से हम क्या आरसी लिया करते थे, कैसे चेंजेस नंबर लिया करते थे और कौन दिया करता था ये नंबर? जो मैकेनिक थे, मैकेनिक जो ऑटो जनरली खरीद के कबाड़ी का काम करते हैं, खरीद करके इसको पार्ट्स डिस्ट्रॉय करके उसको बेचते हैं, उनसे इंजन नंबर, चेचिस नंबर का जो पार्ट होता था वो ले लेते थे, फिर नए ऑटो पर ये लोग यूज कर लेते थे। सर, किस तरीके चोरी करते थे, कितने वाहन चुराए गए और कितने ट्रेस हो पाए सर? ये अभी ट्रेस, चूंकि ये सारे नंबर टेम्पर्ड हैं, इस वजह से अभी हम लोग ओरिजिनल जो मालिक हैं वहाँ तक अभी नहीं पहुँच पाए हैं, और कहाँ कहाँ से इन लोगों ने चोरी किया है, चोरी के मुकदमे कहाँ लिखे गए, इस बारे में जानकारी के लिए हम लोग अभी निवाड़ी जो FSL है वहाँ से जब सही नंबर हम लोग ट्रेस करेंगे उसके बाद ये सारी जानकारी होगी। सर, कितने ऑटो रिकवर किए हैं और कहाँ कहाँ से चुराया करते थे, क्या बताया पूछताछ में? हम लोगों ने अभी 6 ऑटो इनसे रिकवर किए हैं, और मेन जो चोरी ये करते थे दिल्ली से, नोएडा और गाजियाबाद से, यहाँ से इन लोगों ने ऑटो चोरी किए हैं, और इसमें और भी कुछ लोगों का नाम आया है जिसपे हम लोग आगे भी उस पर काम करेंगे। सर, कितने ऑटो बेचा करते थे इसको? ये करीब 50,000 से 1,00,000 के बीच में ऑटो बेचा करते थे। बहुत दिया।